Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, कल हमने अपना रिवीजन किया था जिसमें हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स, और हमने फिलअप्स कर लिए थे। आज स्टूडेंट्स हमारी बारी है ट्रू फॉल्स करने की। आइए, क्या सही है क्या गलत है वो करके दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, द सन इज़ अबाउट 150 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इसमें ये बोला गया है कि सूरज जो है वो करीब 150 मिलियंस किलोमीटर दूर है क्या अर्थ से। जी हाँ, बिल्कुल, ये करीब 15 करोड़ किलोमीटर भी दूर है, यानी कि सन और अर्थ का डिस्टेंस जो है हम कह सकते हैं कि 150 मिलियंस किलोमीटर है, यानी कितनी दूरी पर है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, ये सही बात दी हुई है, तो उसका आंसर हम ट्रू लगा लेते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, द पीपल इन स्टोन एज आल्सो हंटेड एनिमल्स एंड बर्ड्स। यानी कि जब हमारा पाषाण काल चल रहा था, स्टोन एज चल रही थी, ऐसा टाइम जब हमारा आदि मानवों का टाइम चल रहा था, अर्ली मैन का, तो आदि मानव लोग जो थे, अर्ली मैन जो थे, वो सिर्फ हंटिंग पे, शिकार पर, और हमारे कुछ भी जंगलों से फूल पत्तियां मिल जाएं, कुछ भी अरेंज कर लें हम खाने के लिए, कहीं से भी हमें खाना मिले, वो इस जुगाड़ में, उस काम में लगे रहते थे। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो उनका कोई पर्सनल खुद का खाना नहीं वो बनाते थे, वो सिर्फ क्या है, खचाक, शिकार किया, और क्या है, एनिमल्स और बर्ड से जो भी प्राप्त हुआ, मीट वगैरह, वो सब खा लिया उबालकर, यानी कि उसको आग पर जलाकर। दूसरी बात इसमें ये भी बोली गई है कि ये बात वो प्लांट्स और को भी देखते थे, जंगलों में जाते थे, कोई से भी कच्ची फूल पत्ती जड़ें वाले एनिमल्स जो हमें फ्रूट्स बोल सकते हैं, लीव्स मिल सकते हैं, इन सभी को वो रहते थे, इन सभी का यूज़ करते थे खाने में। तो ये वाली बात स्टूडेंट बिल्कुल सही दी हुई है, तो इसका आंसर भी बिल्कुल ट्रू है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे वो ये है कि इसमें ज़्यादातर आपको ट्रू दिखाई दे रहे हैं। तो स्टूडेंट एग्ज़ाम्स में भी ध्यान देना है, सारे क्वेश्चंस लगभग ट्रू वाले होंगे, कोई भी बच्चा फॉल्स नहीं लगा के आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे लगभग ट्रू दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बुक के क्वेश्चंस हैं। अब सी पार्ट हम देखते हैं, लद्दाख इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट, ड्राइएस्ट एंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेंट प्लेस इन इंडिया। लद्दाख जो है, जम्मू कश्मीर में जो पढ़ता था पहले लद्दाख, आज के टाइम पे तो जब से हमारा आर्टिकल 370 हटा है, जब से हमारा लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बोल दिया गया है, कर दिया गया है, जिस पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलता है, तो वो सबसे एक तो ऊंचाई पर है, हाई एल्टीट्यूड पर है, ऊंचाई पे स्थान है वो, और सबसे सूखा, जिसको हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, यानी कि ठंडा रेगिस्तान, वहाँ पर कोई प्लांट्स नहीं है ज़्यादा, ठीक। और दूसरी बात इसमें बोला गया, सबसे ज़्यादा ठंड पाई जाती है वहाँ पर, क्योंकि ऊंचाई पर है, पहाड़ी एरिया में है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होगी, जाहिर सी बात है। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, तो इसका आंसर हमारा ट्रू हुआ। डी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ग्लोब इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या है, हम देखो अपनी आँखों से हम पृथ्वी को तो देख नहीं सकते, अर्थ पर खड़े होकर हम अर्थ को नहीं देख सकते, जब या तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा आसमान में, यूनिवर्स में, तो हम अर्थ को देख सकते हैं, बट हर इंसान का जाना पॉसिबल नहीं है। तो उसने क्या है, एक अर्थ का मॉडल बना दिया है, अर्थ का क्या बना दिया, मॉडल। अर्थ जो है ग्लोब की फॉर्म में शो की गई है, जैसे अर्थ के हमारे दो हेमिस्फीयर हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, बिल्कुल ऐसे ही ग्लोब में भी बता रखा है ये वाली चीज़, मतलब एक तरीके से नमूना है, जैसी हमारी अर्थ दिखाई देती है बिल्कुल वैसा ही हमारा ग्लोब दिखाई देता है। तो हुआ ना ये मॉडल, उसकी तरह बिल्कुल सेम टू सेम, अर्थ हमारी बड़ी है और ग्लोब हमारा छोटा सा है, तो इसका ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, इसका आंसर बिल्कुल हमारा ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ई पार्ट, स्टैचू ऑफ एन ओल्ड मैन फाउंड इन द मोहनजोदड़ो।
एक पुराना व्यक्ति का स्टैचू पाया गया है मोहनजोदड़ो की। यहाँ पे हमारी कह सकते हैं कि हड़प्पन साइट्स दे रखी है। जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा था, हड़प्पन संस्कृति जब चल रही थी, सभ्यता, तो ये जगह यहाँ पे हमें सबूत देखने को मिले हैं। किसके सबूत? कि यहाँ पे पहले लोग रहा करते थे, हड़प्पन सभ्यता के लोग यहाँ पे एग्जिस्ट किया करते थे, सर्वाइव किया करते थे। और वहाँ पे एक ओल्ड मैन का स्टैचू बना रखा है। इनको काम करने के लिए राजा महाराजा बुलाते थे, स्कल्पचर को, स्क्रिप्ट को, जिससे कि वो मूर्ति बना सकें, स्टैचू बना सकें। तो वो स्टैचू जो है मोहनजोदड़ो में आज के टाइम पे पाया गया है। और मोहनजोदड़ो जो प्लेस है वो पाकिस्तान में है। ये हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो में एक स्टैचू पाया गया है, मूर्ति, जैसे मैंने क्लास में दिखाई थी, राजा महाराजा जिसकी दाढ़ी है और जिस पे कपड़े बने हुए हैं, पहने हुए हैं अच्छे तरीके से। तो वो स्टैचू जो पाया गया है, ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, तो उसका आंसर हम ट्रू लगा देते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, एफ पार्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आल्सो फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित। भीमराव अंबेडकर, जिनको पानी पीने तक के लिए मना किया जाता था, मंदिरों में एंट्री नहीं दी जाती थी, लो छुआ छूत जैसा बिहेवियर किया जाता था कि हम इसे पवित्र अपवित्र हो जाएंगे, हम गंदे हो जाएंगे, हमें बीमारियां लग जाएंगी, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इन लोगों में जो बुरा जो भाव जो आ रहा था वो किसके प्रति आ रहा था? दलित के प्रति, क्योंकि दलित जो थे लो कास्ट के पीपल्स थे। तो उनको उठाने के लिए किसने मदद की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उनके स्टेटस को अपलिफ्टमेंट किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। जंग लड़ी, लड़ाई लड़ी कि भाई राइट, दलित्स को भी बराबर के राइट्स मिलने चाहिए, उनका भी कुछ हिस्सा होना चाहिए, बिकॉज वो भी सोसाइटी का पार्ट है, समाज का हिस्सा है, वो भी आखिर में एट लास्ट भगवान के बनाए हुए ह्यूमन बींग्स हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी थी, यानी कि जंग लड़ी थी, उनको अधिकार दिलाया था, राइट दिलाया था। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म लिखा गया जिसको हम क्या बोलते हैं, दलित। दलित में क्या आते हैं? हमारे SC शेड्यूल कास्ट, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, और शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं ST। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ईट देख लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल। सरकारी नौकरियां सभी के लिए ओपन हैं, बिल्कुल हैं। जनरल में भी उतनी ही दी जाती है, और रिजर्वेशन जिसमें वो वर्ड किसके लिए है, SC और OBC, वो SC और ST, यानी कि हम कह सकते हैं कि दलित के लिए भी अलग हिस्सा बचा के रखा हुआ है नौकरियों में से। उनको जो लोगों को गलत और क्या कहते हैं लो कास्ट का समझा जाता था, उनके लिए भी जॉब्स ऑफर करें। वो कहाँ रहें तो उनके लिए जॉब दिलवाई गई। पहले वो जंगलों में भटकते थे, कैसे भी करके अपना गुजारा करते थे, नौकरियाँ थी नहीं उनके पास। तो गवर्नमेंट ने सोचा, क्योंकि लड़ाई लड़ी थी हमारे भीमराव अंबेडकर ने, तो उन्होंने सोचा कि इनका भी हम एक स्थान दिलाएं, दर्जा दिलाएं, और इनके नाम से भी एक अहम हिस्सा होना चाहिए हर चीज़ में, चाहे मेडिकल हो, फैसिलिटी अस्पताल की, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे एजुकेशन हो, सब जगह रिजर्वेशन की बात कही गई। और सभी जगह गवर्नमेंट जो है सबको समान मानती है, और सभी के लिए बराबर की नौकरियों का अपॉर्चुनिटी दी हुई है, अवसर दिया हुआ गवर्नमेंट ने। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है स्टूडेंट्स, ये करेक्ट आंसर है हमारा, तो उसका हम ट्रू लगा देते हैं। आइए H पार्ट देखते हैं। द ऋग्वेदा कंटेन्स प्रेयर्स ऑफ कैटल एंड चिल्ड्रेन। ऋग्वेद जो है ऐसा वेद है, एक तो आपको पता हो, सबसे पुराना वेद है, जो सबसे पहले लिखा गया था, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से भी पहले। और इसमें सारी श्लोक मंत्रों के उच्चारण दिए हुए हैं, ये सारे करीब उसमें हाइम्स दिए हुए हैं, हजारियों से ज़्यादा हाइम्स लिखे हुए हैं इसमें। और इसमें बताया गया है कैसे हम अच्छी तरीके से व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं, पूजा भगवान की किस तरीके से कर सकते हैं, और सारी सिस्टमैटिक वे में कैसे राजा व्यवस्था को बनाए रखेगा, ये सारी बात इसमें बताई गई हैं। किनके द्वारा? श्लोक के द्वारा, मंत्रों के द्वारा। और भगवान को खुश करने के लिए इसी में से ही लोग चैंटिंग करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मैंने बताया था हमारी सोशल सेरेमनी हो या फिर रिलीजियस सेरेमनी,
कोई भी हम कह सकते हैं, कोई हमारा प्रोग्राम हो समाज से रिलेटेड या फिर भगवान के से रिलेटेड धार्मिक काम जब हम कर रहे हैं, तो हम जब हवन कुंड करते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र कैसे किस में से पढ़े जाते हैं, वो ऋग्वेदा में से पढ़े जाते हैं। हमारे बच्चे खुश रहें, अच्छे तरीके से रहें, हमारे कैटल्स पशु पक्षी अच्छे से रहें, हमारे सारा एनवायरनमेंट सही बना रहे, तो वो सारी बात उन सब की पूजाएं किस में लिखी गई हैं, हमारी ऋग्वेद में लिखी गई हैं। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, तो उसका आंसर ट्रू लगा देते हैं। आई पार्ट हम देखते हैं, द गवर्नमेंट मेक्स लॉ। क्या सरकार कानून बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है? जी हाँ, सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो पब्लिक को जवाबदेह होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन करती है, क्योंकि लोगों ने ही मिलकर उस सरकार को बनाया है, तो जाहिर सी बात है वो लोगों के लिए रूल्स बनाएगी कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए आज सिस्टमैटिक वे में। तो सिस्टमैटिक वे में काम करने के लिए कायदे कानून होने चाहिए, तो वो बिल्कुल कायदे कानून गवर्नमेंट बनाती है, और ये बिल्कुल सही बात है। और गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के उसको फॉलो करवा के हर सिटीज़न से, हर देश के नागरिक से, हर लोग से उसको फॉलो करवाना है जो सरकार ने कानून बनाए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है स्टूडेंट्स, क्योंकि सरकार ही गवर्नमेंट ही लॉज को फॉलो भी करवाती है और बनाती भी है। हमने सिविक्स के थर्ड चैप्टर में पढ़ा था लॉज, ठीक, गवर्नमेंट एंड लॉज के बारे में, जिसमें मैंने पढ़े था कि अब कोई इंसान अगर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो पनिशमेंट दे देती है या जेल में डाल देती है, फाइन लगा देती है, जुर्माना चार्ज। मैंने ट्रैफिक वाला बताया था, अगर कोई ट्रैफिक चला रहा है, ट्रैफिक में व्हीकल चला रहा है अपनी गाड़ी, उसके पास पेपर्स नहीं है और उसके पास कोई भी ज़रूरी कागजात नहीं है, या वो तेज स्पीड पे चला रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, उनको तोड़ रहा है। तो उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर फाइन लगाएगी, और फाइन से ज़्यादा अगर ज़्यादा बात नहीं बनी तो जेल में भी डाल सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा उसको। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, तो उसका आंसर बिल्कुल हमारा ट्रू है। स्टूडेंट्स जे पार्ट हम देखते हैं, इट वॉज द एफर्ट, स्टूडेंट्स यहाँ पे ही लिखा हुआ है वो द होगा, इट वॉज द एफर्ट ऑफ नेल्सन मंडेला दैट मेड द साउथ अफ्रीका अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये कोशिश थी नेल्सन मंडेला की, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उस टाइम पर अपार्थिड सिस्टम चल रहा था, रंग भेद वाला सिस्टम, लोग कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे, काले लोगों को कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी, गोरे लोगों को, वाइट पीपल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, वाइट पीपल्स के लिए आलीशान जगह दी जाती थी घर बनाने के लिए, और हम कह सकते हैं कि उनको बढ़िया हॉस्पिटल सर्विस दी जाती थी, उनके लिए सेपरेट एम्बुलेंसेस थी, बस स्टैंड था। और एक और बात, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था काले गोरों में, तो इन दोनों को आपस में मिलने भी नहीं दिया जाता था। ये सारी भेदभाव किसके लिए हो रही थी, कि ब्लैक पीपल्स को कम इम्पोर्टेंस दी जाए, और ब्लैक पीपल्स के लिए क्या, रहने के लिए बेकार ज़मीन, कोई हॉस्पिटल सर्विस नहीं दी जा रही, कोई एम्बुलेंस नहीं है, वो प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन हो, सिलेंडर हो बराबर, और ग्लूकोज हो, सारी चीज़ें जो फर्स्ट एड की तरह काम करती हैं, एजुकेशन के लिए स्कूल्स नहीं अच्छे, ये सारी चीज़, बस स्टैंड है ही नहीं है, लोग आ रहे जा रहे हैं, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, बंजर भूमि दी जा रही है, वेस्ट लैंड, वर्स्ट लैंड बिल्कुल रहने के लिए। तो भेदभाव आपको नज़र आ रहा है, कहाँ हमारे वाइट पीपल्स और कहाँ हमारे ब्लैक पीपल्स, तो ये किसके बेस पे हो रहा है, कलर के बेसिस पे भेदभाव हो रहा है, इतना गैप जो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सही बात की, और इनको ख़त्म, इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए जैसे भीमराव अम्बेडकर जी ने दलित लोगों को राइट दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, ऐसे इन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी अपार्थिड सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, काले लोगों को वाइट लोगों के बराबर राइट्स दिलाने के लिए, बराबर अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने। और वो कौन थे, नेल्सन मंडेला। और ये सारी बातें साउथ अफ्रीका में हुई थी, और ये सारा आज से करीब 1992 ईयर्स में साउथ अफ्रीका को इस सिस्टम से मुक्ति मिली,
लोग काले गोरे के भेदभाव से मुक्त हो गए, फ्री हो गए। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी गई है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ट्रू है इसका आंसर। एल पार्ट देखते हैं, द सन इज अ स्टार। स्टूडेंट्स स्टार की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि कोई भी ब्राइटनिंग ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की हीट एंड लाइट होती है वही हमारा स्टार है। जितनी भी चीज़ें हमारे आसमान में चमकती हैं, तारे चमकते हैं रात को, दिन में सूरज चमकता है, तो ये क्या है, हमारे स्टार्स हैं। सन मून दीज आर आल्सो कॉल्ड एज स्टार्स। तो हर चीज़ चमकने वाली चीज़ स्टार है स्टूडेंट, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक। तो इसको हमने स्टार नाम दिया है, तो ये बिल्कुल सही बात लिखी गई है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही। एम पार्ट देखते हैं, मेगालिथिक बिल्डर्स कंस्ट्रक्टेड स्टोन मॉन्यूमेंट्स। मेगालिथिक बिल्डर्स यानी कि मेगालिथिक का मतलब क्या है, बड़े बड़े पत्थर, स्टोन बोल्डर्स, उनको कंस्ट्रक्ट करते थे पहले पुराने टाइम पर, और वो मॉन्यूमेंट्स के फॉर्म में बनाए जाते थे। जैसे कोई भी राजा इंपॉर्टेंट पर्सन डेथ हो जाती है उसको दफनाया जाता था, और उसके लिए उसकी यादगार में एक हमने पत्थर बना दिया, इमारत बना दी, बड़े बड़े पत्थर की फॉर्म में रख दिए, हमने मेगालिथिक वाली वीडियो में देखा था शॉर्ट नोट में। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल सही बात लिखी गई है, जो उस टाइम पे स्टोन बोल्डर्स जो बनाते थे बिल्डर्स ही बनाते थे उनको इमारत की फॉर्म में, कि यादगार में याद रहे। और वहाँ पे ऐसा होता था कि फैमिलीज़ को भी वहीं दफना दिया जाता, हर पर्सन का एक स्टोन बोल्डर मेगालिथ बना दिया, मेगा मतलब बड़ा और लिथ मतलब पत्थर, तो बड़ा पत्थर लगा दिया जाता था, अब वो ऐसा इमारत का काम करता था, स्टोन मॉन्यूमेंट्स का काम करता था यादगार में। स्टूडेंट्स तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, इसका आंसर बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट्स एंड पार्ट देखते हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, बैटल्स वर फॉट फॉर लैंड वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। लड़ाइयाँ जो लड़ी जाती थीं वो राजाओं के द्वारा लड़ाई जाती थी, और क्या, कब्जा करने के लिए, हमें कैसे भी करके कब्जा करना है, हराना है, और किसके लिए होती थी, धरती के लिए, ये हमारी ज़मीन है हम इस पर कब्जा करेंगे, ये वाला एरिया इसमें जो पानी आ रहा है ये हमारा पानी है, ये लोग जिन पे हम काम करवाएंगे इनको हम अपने दास बना लेंगे, स्लेव्स बना लेंगे। तो लड़ाई लड़ी जाती थी पहले पुराने टाइम पे राजाओं के द्वारा, और उनको किस पे कब्जा करने के लिए, लैंड पे, ये वाला पोर्शन हमारा है। फॉर एग्जांपल पुराने टाइम पर हमारे अफगानिस्तान से बहुत सारे अरब की तरफ से रूरल्स आए थे, उन्होंने राज किया था, कब्जा किया था हमारे लैंड वाटर और लोगों पर, तो इन्हीं के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं कि लोगों को कैसे भी करके उनका स्थान जो है जहाँ पे वो रहते हैं उन पे कब्जा कर लिया जाए, उनको गुलाम बना लिया जाए। और महिला लोग, महिला को बोला जाता था दासी और पुरुषों को बोला जाता था दास, क्योंकि वो राजा की प्रॉपर्टी की तरह काम करती थी, तो जो राजा चाहे उनसे काम करवाता था। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ओ पार्ट, मेंबर्स ऑफ फैमिलीज वर यूजली बरीड टुगेदर। देखो मैंने आपको मेगालिथिक वाले उसमें बताया था कि जो वो स्टोन बोल्डर्स बना दिए जाते थे यादगार में, इमारत बनाई जाती थी, बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, सेट कर दिए जाते थे, तो वो हमारे और मेंबर्स उनके आसपास ही, और सारे वो मेंबर्स को दफना दिया जाता था फैमिली के, जहाँ पे राजा का पिता मर रहा है वहाँ पे राजा, उसका बेटा भी की जब डेथ हो जाएगी उसको भी वहीं दफनाया जाएगा, उसकी रानी, उसकी मम्मी की भी डेथ हो जाएगी तो भी उसको वहीं दफना दिया जाएगा। तो क्या है, लोगों को दफनाया जाता था, उसके ऊपर क्या है, पत्थर लगा देते थे बड़ा सा, वही हमारे मेगालिथिक का काम करते थे, स्टोन बोल्डर्स का काम करते थे। तो ये एक साथ ही उन मेंबर्स को दफनाया जाता था, जैसे जैसे टाइम टू टाइम की डेथ होती थी, और ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है स्टूडेंट्स, तो उसका आंसर ट्रू है। जैसे कि आपको स्टूडेंट से मैच द फॉलोइंग नज़र आ रहा होगा, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे,
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लास आपकी ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मैच द फॉलोइंग करेंगे। प्रभात शर्मा क्लासेस से बने रहिएगा और रिवीजन प्रॉपर टाइम से करते रहें स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी है एग्जाम टाइम में। ये क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ इन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है। ये पूरी बुक्स के क्वेश्चंस हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर जाओगे आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। श्योरिटी मेरा बच्चा 90 प्लस नंबर लाएगा तो बस 100 भी नंबर ला सकता है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं और दबा के प्रैक्टिस करें। ठीक स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू क्लास, प्रभात शर्मा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो तो ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दें, क्या बिल्कुल सही बात इसमें बताई गई है। ओके थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि आज के टाइम पे कोरोना बहुत चल रहा है तो बच्चे बचकर रहे हैं, उससे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। एग्ज़ाम टाइम है, अपनी तैयारी अच्छे से करें, लगन मन लगाकर बिल्कुल। ओके थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।